जिला सिरमौर में खेल के क्षेत्र में कई हस्तियां अपना नाम कमा चुकी हैं, लेकिन धन का अभाव इन प्रतिभाओं को अपना हुनर नहीं दिखाने दे रहा है। पैसों की तंगी खिलाड़ियों पर भारी पड़ रही है। ऐसे ही आर्थिक तंगी से पांवटा साहिब के खिलाड़ी ज्ञान सिंह तोमर भी जूझ रहे हैं। पांवटा साहिब में बच्चों को कराटे का हुनर सिखाने वाले कराटे कोच ज्ञान सिंह तोमर का चयन जापान में होने वाली सिगोकन गुजुरियो कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। शिमला में आयोजित हुई नेशनल चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के बूते पर उनका चयन किया गया है। पूरे देश से इस चैंपियनशिप में कुल 26 कराटे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 4 जिला सिरमौर से हैं। ज्ञान तोमर के जापान जाने पर फिलहाल संकट के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की दरकार है, जिससे उन्हें चैंपियनशिप में हिस्सा लेने में मुश्किलें आ रही हैं। कराटे कोच ज्ञान तोमर मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं, जिसे जापान जाने के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। हालांकि जिन अन्य खिलाड़ियों का चयन सिरमौर से हुआ है, वे खर्चा उठाने में सक्षम हैं, लेकिन ज्ञान इतनी धनराशि नहीं जुटा सकते हैं। अपनी आजीविका कमाने के लिए ज्ञान एक निजी स्कूल में कराटे सिखाते हैं। हालांकि जापान में आयोजित होने वाली सिगोकन गुजरियो कराटे चैंपियनशिप के लिए 30% राशि उनकी कराटे एसोसिएशन देगी और कुछ राशि स्कूल भी देगा, लेकिन फिर भी बाकी की धनराशि जुटा पाना उनके लिए असंभव सा है। अब वे प्रशासन और उद्योगपतियों से मदद के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। मैं शिगोकान गोजरियो स्टाइल से सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट बना हूं और मेरी अभी हाल ही में अप्रैल 22 को सिलेक्शन हुई शिमला में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए। तो इसमें पूरे इंडिया से लगभग 26 खिलाड़ी जापान अपने प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मैं अपनी मेहनत के साथ लगा हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी जो दिक्कतें सामना जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है पैसा, जो कि मैं दरख्वास्त करता हूँ सीधा अपने CM साहब से कि वो जहाँ तक हो सकता है वो मेरी मदद करें। इसमें मेरी एसोसिएशन भी मेरा काफ़ी साथ दे रही है और मेरे स्कूल वालों ने भी काफ़ी साथ दिया है, लेकिन इसमें लगभग मेरा 1.5 लाख तक खर्चा आएगा, जो कि सारा कुछ हमारी एसोसिएशन और स्कूल नहीं दे पाएगा। तो मैं अपने CM साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमें मदद करें, हमारी नज़रें हमारी उम्मीदें उन पर टिकी हुई है, तो मैं अपनी ओर से बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूँगा। वहीं इस बारे में SDM पांवटा साहिब LR वर्मा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन की तरफ से जो भी संभव हो पाएगा वे उनकी हर संभव मदद करेंगे। प्रथम तो मैं ज्ञान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि भारतवर्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हिमाचलियों के लिए विशेष तौर पर गौरव की बात है और इनको जो भी सहयोग चाहिए होगा और जो हम कर पाएंगे प्रशासन की तरफ से, हम भरपूर प्रयास करेंगे कि इनको पूरा सहयोग दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, नाहन।